Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week with Mawar Ansari. आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के डे नंबर 25. Yes friends, you heard it right. पठान आज अपनी सिल्वर जुबली डे जो है वो सेलिब्रेट करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे. This is one rare condition. आजकल फिल्मों की किस्मत पहले 25 मिनटों में लिख दी जाती है. पहले 25 मिनट में ही फिल्म देखकर वो डिसाइड कर देते हैं कि ये हिट होगी, फ्लॉप होगी या डिजास्टर होगी. वहां पर पठान है सर्वाइव फॉर 25 डेज. सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, बहुत सारी फिल्में हैं जो एग्जिस्ट होती है सिर्फ नाम के लिए थिएटरों में, लेकिन यहाँ पर पठान ने सर्वाइव नहीं बल्कि लिटरली स्पीकिंग डोमिनेट किया. हर एक वीक का रिकॉर्ड, हर एक डे का रिकॉर्ड, लाइफ टाइम रिकॉर्ड्स, इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बचा है हमारी बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो कि पठान ने नहीं तोड़ा है. इट हैज ब्रोकन लिटरली एवरी सिंगल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा. लेकिन गाइस, ऑल सेड एंड डन, पठान जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा. पठान आगे बढ़ता जाएगा एंड लेट्स सी ये अब आगे और कितना बढ़ता है. सबसे बड़ी खबर जो है आज सुबह की ये है, आफ्टर द डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द फिल्म यस्टरडे, यानी कि शहजादा एंड एंटमैन, यहाँ पर मेकर्स ने वापस से आज 200 रुपीज का जो टिकट रेट रखा है इसको एक बहुत ही स्मैशिंग रिस्पॉन्स मिला है. एग्जिबिटर्स हैव अगेन शोन अ लॉट ऑफ फेथ इन पठान एंड वापस से सैटरडे एंड संडे के जो शोज है पठान के इंक्रीज कर दिए गए हैं. दिस स्पीक्स अबाउट द वॉल्यूम ऑफ विच पठान इज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंसेस, द रिपीट वैल्यू ऑडियंसेस. इसी का कारण है ये वीकेंड भी पठान एक विनर साबित होने वाली है. अब लेट्स सी गाइस, आज फिल्म के कलेक्शन कितने आते हैं एंड इसी नोट पे आज का एपिसोड जो शुरू करते हैं. सो गाइस, कल मुंबई में 229 शोज थे एंड लुक एट दिस, आज सैटरडे मुंबई में 276 शोज है. दिस इज अ ह्यूज जंप फॉर अ फिल्म इन इट्स फोर्थ वीक विद टू बिग फिल्म्स, एंटमैन एंड शहजादा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज रियली ह्यूज एंड द ऑक्यूपेंसी फॉर द डे हैज स्टार्टेड विद 13. लुक एट दिल्ली एनसीआर, 318, 14% ऑक्यूपेंसी. पुणे सुपर्ब जंप, 94 से 117, 12%. बेंगलुरु 74 से 77, लेकिन व्हाट मैटर्स इज द ऑक्यूपेंसी 30. रात तक बेंगलुरु विल बी कंप्लीटली हाउसफुल. ऑन द 25th डे ऑफ पठान बात करो हैदराबाद की, 120 से 106 आया लेकिन ऑक्यूपेंसी 15. और लुक एट कोलकाता, मैसिव जंप, 98 से 114, 15% ऑक्यूपेंसी. कल शाम को कोलकाता 50% चल रहा था एंड आज सुबह 15 है, रात तक ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी. लुक एट अहमदाबाद, 200 से 202, 5%. चेन्नई 6 एंड 6, बट चेन्नई की ऑक्यूपेंसी 65% की थी. कल 6 में से 4 शोज जो थे वो हाउसफुल थे. सूरत की बात करूं, 71 67, 4% ऑक्यूपेंसी. लखनऊ स्टेडी, 81 81 शोज है. भोपाल में 17 से 15 कर दिए हैं, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 2%. यानी कि सैटरडे पठान के जो शोज है वो शॉकिंगली बढ़ा दिए गए हैं. सो गाइस, बात करते हैं कलेक्शंस की. सो गाइस, 23 दिनों के यानी कि 23 डे के कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में 505.85, उसको गाइस ग्रॉस में कन्वर्ट कर दूं 609 करोड़ होता है. ओवरसीज फिल्म ने 367 करोड़ सी कमाई की है, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल जो है आफ्टर 23 डेज पठान का 976 करोड़ है. कल रात का मेरा प्रेडिक्शन था कि फिल्म कहीं ना कहीं यहाँ पर 2.25 से 2.50 करोड़ कमाएगी. हमने 2.40 करोड़ का नंबर जो है वो यहाँ पर रखा है. इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर 24 दिनों में 508.25 यानी कि 508.25 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है. इंडिया ग्रॉस 3 डे नंबर 24 का, ओवरसीज 1.5 करोड़, 1.50, यानी कि वर्ल्ड वाइड ऑन 24th डे ये फिल्म कहीं ना कहीं 4.50 करोड़ कमाएगी. एंड 976 करोड़ में अगर मैं 4.50 करोड़ ऐड कर दूं, 980.50, 980.50 करोड़ का पोस्टर जो है वो आएगा. तो गाइस, बात करते हैं आज की यानी कि डे नंबर 25 की. आज की एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर 59 लाख की हुई है. दिस इज क्रेजी स्टफ गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. कल एडवांस बुकिंग 37 लाख की थी, आज 59 लाख की हुई है.
30,000 टिकट सोल्ड, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ऐसा लग रहा है कि पठान आज डेफिनेटली 4 करोड़ रुपए कमाते हुए दिखाई दे रहा है। यस फ्रेंड्स, 4 करोड़, एंड अगर वो 4 करोड़ कमाता है, 25 डेज के बाद पठान जो है वो बाहुबली का 510.99 करोड़ का जो स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर 512.25 करोड़, यानी कि 512.25 करोड़ पे आ जाएगा। एंड गाइस, ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे और बढ़ते जाएगी। गाइस, अगर सैटरडे 4 आया है देन संडे डेफिनेटली विल एम फॉर 5 करोड़, एंड अगर संडे को भी 5 करोड़ आया तो गाइस आफ्टर 26 डेज वील बी विटनेसिंग तकरीबन 517 से 518 करोड़ गाइस, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सो गाइस, अगर आज समझो 4 करोड़ पकड़ के चलते हैं तो इसका ग्रॉस कहीं ना कहीं 5 आएगा, ओवरसीज फिर से 2 आएगा, यानी कि आज भी फिल्म 7 करोड़ कमाएगी। सो आफ्टर 25 डेज द वर्ल्ड वाइड टोटल विल बी 988 से लेकर 989 करोड़। कैन यू बिलीव इट, ओनली 11 करोड़ रिक्वायर्ड फॉर पठान टू स्मैश द 1,000 करोड़ क्लब, दिस विल बी एब्सोल्यूट क्रेजी। सो गाइस, 25 डेज के बाद इंडिया कलेक्शन जो है 512 प्लस होगा एंड वर्ल्ड वाइड 988 प्लस होगा, एंड उसके बाद द ग्रैंड संडे होगा। आज शहजादा और लुड़की एंड एंटमैन भी लुड़की, एंड पठान ऑन संडे विल टेक अ मैड एडवांस बुकिंग। किसको पता, शायद संडे की एडवांस बुकिंग 1 करोड़ रुपए की हो एंड संडे ये 5 करोड़ के ऊपर कमाएगा। एनी थिंग कैन हैपन, पठान कैन गो एनीवेयर नाउ। ओके गाइस, आज का प्रेडिक्शन 4 करोड़ है। लेट्स सी गाइस दिन की ऑक्यूपेंसी किस तरह से रहती है, क्योंकि भैया वीकेंड पर 200 रुपए में पठान देखने मिलेगी तो कौन नहीं देखेगा भाई। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर की सब्सक्राइब कीजिए। मैं अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। एंड क्या लगता है, क्या यशराज फिल्म्स को अगले हफ्ते तब सेल्फी आ रही है तो पठान के फ्राइडे के टिकट जो है वो 60 या 75 रुपीज करने चाहिए। एंड अगर वायरफ ने आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे 75 रुपीज किया, इस तरह से यस्टरडे 110 रुपए का था, देन गाइस दिस विल बी अ कंप्लीट क्रैकर नेक्स्ट फ्राइडे। तो क्या लगता है, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, डू यू वांट नेक्स्ट फ्राइडे ऑफ पठान टू बी 75 रुपीज फ्लैट? कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। स्टे कूल मैन।